पर उसके लिए आज कुछ नॉलेज लेनी होगी, आज कुछ सीखना होगा, आज कुछ समझना होगा, आज कुछ रियलाइज करना होगा, आज आपको अपने आप के दर्शन करने होंगे यहाँ पे इस कन्वेंशन में। और इसीलिए मैं अब इनवाइट करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं जब भी पिछले 11 साल में मैं जब पहली बार सर को मिला था, जब सर सिविक से सिविक गाड़ी पार्क करी 11 साल पहले, मुझे याद है सर ने डोर खोला और मैं सर का वेलकम करने के लिए गया। मैं बच्चा था, साइकिल अचीवर था, और मैं गया और सर ने मुझे देख के पहला जो स्टेटमेंट बोला वो आज तक रगों-रगों में घूमता है। और वो स्टेटमेंट पता है क्या था? गौतम जी, आपका शर्ट एम्बेसडर से कम नहीं लग रहा है। ये लाइन थी सर की, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ उस एक लाइन ने पूरे रगों-रगों में वो खून इतना पावरफुल कर दिया, इतना दौड़ता कर दिया कि आज अभी भी उसका एहसास मैं भूल नहीं पाता हूँ वो लाइन का। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि सर की आँखों में, हम हमेशा कहते हैं अगर आपकी आँखें सर की आँखों से टकरा गई तो समझ लेना आपका जीवन परिवर्तन हो गया। बात है, तो प्लीज मेक वे माई गुरु, माई मेंटर इन ebiz.com Private Limited, none other than one and only the diamond diplomat of ebiz community, the fastest network marketer of India, one and only. क्या मैं इस तरीके से उनका स्वागत करूं? आप बताइए, क्या ऐसे बुलाए? बताइए, क्या मैं यूनाइटेडली सबकी एनर्जी देख सकता हूं? प्लीज मेक वे RTO himself, रघु टेकरीवार सर। मैं सोच रहा था कि जब आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम कैसा होगा। आज जब मैं पहली बार अपनी धर्म पत्नी के साथ इस ऑडिटोरियम और स्टेडियम में जब मैं पहुंचा, तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि मैं पहले से यकीन में था कि मेरा काम जो घर जाके मुश्किल होने वाला था वो आसान हो जाया करता है जब भी हम कन्वेंशन में अपनी धर्म पत्नियों या धर्म जो भी हमारे पति हैं उनको लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं के सवाल हमको वहाँ मिल जाया करते हैं। और यही कोशिश रहती है
कि सारे सवालों के जवाब इन कन्वेंशन से हमें मिलते जाएं और ज़िंदगी हमारी आसान हो जाए। आज प्लीज़ बी सीटेड, आप सब लोग बैठ जाइए, या इफ़ यू वॉन्ट टू सिट डाउन दैट्स फाइन। It's a fantastic welcome that I received today, and believe me, जब भी आप इस तरीके से बुलाते हैं और इतना प्यार देते हैं, कई बार समझ नहीं आता कि किस तरीके से इस प्यार को रिवर्ट बैक किया जाए, किस तरीके से मैं कैसे वो सब कर पाऊँ जो आप लोगों ने आज मुझे इतना प्यार दे के इतना सम्मान दिया मुझे। I feel truly blessed to have been associated with eBuzz. मुझे ईबस करते हुए 12 साल हुए हैं। प्लीज़ सेटल डाउन, जितने भी लोग हैं प्लीज़ सेटल डाउन, जगह नहीं मिल रही वहीं बैठ जाओ, जहां भी जगह मिल रही बैठ जाओ। म्यूजिक इज नॉट रिक्वायर्ड, बैठ जाएं सारे। आज 12 सालों की ईबस की जर्नी रही मेरी, और 12 सालों के दरमियान मैंने ईबस में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। 12 साल के दौरान मैंने अपनी कहानी को कई बार ऊंचाइयों पे पहुंचते हुए देखा, और कई बार मैंने अपने आप को ज़मीन पे भी पाया। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पूरी ईबस में, जो कि आज 17-18 लाख लोगों की ईबस है, इस 18 लाख की ईबस में अगर सबसे तेज़ी से कामयाबी पाने वाले में अगर किसी इंसान का नाम अगर आप सुनना चाहते हैं या पूरे देश में कहीं बोला जाता है, तो वो नाम रघु टेकरीवाल का आता है। ये मेरी पहली साल की ईबस की कामयाबी रही, और वो कामयाबी क्यों रही उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें हम करेंगे। एक ऐसा वक्त था कि जब मुझे ईबस में सिर्फ एक साल हुए थे, और एक साल में मेरा ग्रुप साइज 8,500 लोगों का था। मुझे ईबस में 3 साल हुए थे, और 3 साल में मैं लगभग 45,000 लोगों का ग्रुप बना पाया था ईबस में। 45,000 की मेरी टीम थी जब मैं ईबस में 3 साल का था। और सबसे अच्छी बात तो ये कि 3 साल में मैं इतनी कामयाबी को छू रहा था, लेकिन मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं करता क्या हूं। बड़ी दुविधा थी, क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर रहते थे, और मैं ठीक से समझा भी नहीं पा रहा था, और मेरे को लगता था कि मेरे को उनको समझाना है, तो मुझे उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं कैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, क्या मुद्दा है इस ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का। अगर मैं आप सब लोगों से कहूँ कि जिस दिन मैंने ईबस को ज्वाइन किया था, उस दिन से ही मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि मुझे ईबस पैसे के लिए नहीं करना है, मैं ये गलत कहूँगा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि जिस दिन पहली बार जब ईबस को ज्वाइन किया था, तो पहला मुद्दा दिमाग में यही आया था कि मुझे ईबस करनी है, मुझे वो कामयाबी हासिल करनी है जो अदरवाइज लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मुझे उन बड़े लोगों के बीच में अपना नाम पहचाना है। मुझे मेहनत करने से कभी कोई एतराज़ नहीं रहा। मैं हमेशा कहता था कि 1 साल की मेहनत नहीं रही, वो 2 साल की मेहनत थी, जो 1 साल दिन की थी और 1 साल रात की थी, और दिन रात काम करने के बाद ईबस में कामयाबी मुझे मिली। आगे बहुत बढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे दिक्कतें शुरुआत में बहुत ज़्यादा इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मुझे ईबस के माध्यम से पैसा कमाना है। बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरे पास रिजल्ट्स नहीं थे शुरुआत में, लेकिन जब ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कह दिया कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, उस वक्त मेरे दिमाग में तो ये था कि मैं, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन है ईबस हमारे लिए, हम खुद ईबस हैं, ये सुनो, अगर ईबस अच्छी है तो मतलब मैं अच्छा हूँ क्योंकि मैं ईबस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर ईबस खराब हुई है कहीं पर मतलब मैं खराब हूँ। ईबस तो जो ऊपर से हमें मिली है वो बहुत ही पवित्र ईबस मिली है, कहीं ना कहीं उसको पवित्र या अपवित्र करने की पूरी जिम्मेदारी हम व्हाइट शर्ट टाई वालों में है, यस और नो? इसको हम किस तरीके की ईबस बनाते हैं ये हम पे जिम्मेदारी आई। तो जब शुरुआत में मैंने ईबस की शुरुआत करी, तो मुझे लगता था कि मुझे जल्दी से लोगों को ज्वाइन कराना है, और मुझे चेक्स बनाने हैं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। और इस पर्पज़ को जब मैं बहुत तेज़ी से करने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही तेज़ी से मुझे सामने से नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे। लोग मुझे मना कर रहे थे, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोग मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते थे, और हर इंसान कहता था कि तुम जो कर रहे हो वो मुमकिन नहीं है, तुम जो कर रहे हो ये काम ही मुमकिन नहीं है, तुम्हारे बात में ही दम नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट में ही दम नहीं है, तुम्हारे आइडिया में ही दम नहीं है, ये शॉर्ट टर्म फेनोमेनन है, ये शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है, थोड़े दिन चलेगा बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी,
तुम बस थोड़े दिन की कामयाबी को छूने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए परमानेंट नहीं है। हालांकि मैं उस वक्त खुद ईबज में इतना नया था, आई वॉज जस्ट 20 years old, मेरी उम्र 20 साल थी, और 20 साल की एज में मैं आने वाले 10 साल या 20 साल में क्या होने वाला था, इस बात का आइडिया अगर मुझसे पूछे तो मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि जिस जगह मैं काम कर रहा था वो जगह अगर दिमाग से करी जाती तो शायद पॉसिबल नहीं था, लेकिन मेरा दिल ईबज में लग गया था, इसलिए किसी की बात पर मुझे विश्वास भी नहीं आता था। मुझे ही नहीं पता चलता था कि सामने वाला इंसान क्यों ऐसी बातें कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दिल से बात अटैच हो गई थी। मैंने अपनी ईबज जब करनी शुरू करी, फिर मुझे लगा कि मुझे शायद लोग इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि शायद मैं ईबज अपनी वजह से करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मुझे ईबज में कामयाबी चाहिए। और कन्वेंशन जाने का मौका मिला, और कन्वेंशन जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ईबज सिर्फ अपनी कामयाबी का मतलब नहीं है। एक इंसान कभी ईबज में कामयाब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक अकेला इंसान ईबज में कामयाब हो जाए। अगर आज मेरी कामयाबी अगर आप देख पाते हैं तो इसके पीछे कई सारे लोग हैं जिनकी कामयाबी वो पिलर बन के मेरी इस कामयाबी के लिए काम आई, तभी मैं इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंच पाया, चाहे वो गौतम जी हों या विशाल अलगेरी जी हों। तो काफ़ी जब ये मुद्दा आया कि मुझे अपने लिए काम नहीं करना है, सो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर्स, मैंने दूसरों के बारे में सोचना शुरू करा। मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई कि जो भी मेरे साथ ईबस को ज्वाइन करेगा, मेरी कामयाबी मेरे हिस्से आए या ना आए, जो भी मेरे साथ ईबस को ज्वाइन करेगा, अगर मेरी कामयाबी मेरे हिस्से आए या ना आए, उसकी कामयाबी मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा कि उसकी कामयाबी उसके घर पहुंचे। इस एटीट्यूड से मैंने ईबस को करना शुरू करा। इट वॉज जस्ट अ चेंज ऑफ एटीट्यूड, सिर्फ इतना सा मेरी सोच का बदलाव ने मुझे रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए। क्योंकि हर इंसान अब ये नहीं देख रहा था कि मैं ईबस अपने लिए कर रहा था, हर इंसान अब ये देख पा रहा था कि मैं ईबस उनके लिए कर रहा था। वो शायद कई बार अपने लिए इतनी मेहनत नहीं कर पाते थे जितनी मेहनत मैं उनके लिए कर रहा था, वो अपनी प्रेजेंटेशंस में इतनी ताकत नहीं लगाते थे जितनी उनकी प्रेजेंटेशंस में मैं ताकत लगाता था, वो घर पे बैठ के आराम करना पसंद करते थे, मैं उनके लिए प्रेजेंटेशंस लेने जाया करता था, वो फॉलोअप में बहाना बनाया करते थे, मैं 3-3 घंटे उनके फॉलोअप लेने के लिए जाया करता था। जब लोगों ने ये देखा कि ये इंसान सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए पागल नहीं है, ये इंसान हमारी कामयाबी के लिए पागल है, तो उन सारे लोगों ने अपनी ताकत लगा दी इस टीम की कामयाबी के लिए, और तभी RTO आज नंबर 1 बना। मुझे पता है